हेलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सीएमसी इंदौर व्यापम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जी दोस्तों आज हमारा यहाँ पर सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गुड इवनिंग दोस्तों सभी को गुड इवनिंग जय श्री महाकाल जय हिंद मुस्कान जी जय श्री महाकाल प्रकाश जी वेरी गुड इवनिंग शिवानी जी वेरी गुड इवनिंग जय श्री महाकाल चलिए तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं आज एम वाला सेशन ठीक है बहुत दिनों से यहाँ पर जो है कमेंट आ रहे थे कि भैया आप जो भी पढ़ा रहे हैं सर प्लीज उनके कमेंट जो सॉरी उनके जो है एमसीक्यू जरूर लेके आइए ठीक है थीके? तो यहाँ पर आज का सेशन जो है वो आपके और मेरे लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है मतलब आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा तभी हम लोग एमसीक्यू को कर पाएंगे ठीक है विजय जी हाय चलो तो बिना किसी देरी के सेशन को हम शुरू करते हैं इसमें कैसे आगे जाएगा बढ़िया तो देखिए यहां पर आपके पास में पहला क्वेश्चन आ चुका है ठीक है इनमें से कौन सा यंत्र कंप्यूटर के लिए एक इनपुट तथा आउटपुट उपकरणों मतलब दोनों की भांति कार्य करता है मतलब इनपुट आउटपुट दोनों है एक ऐसा डिवाइस आपको बताना है दोस्तों जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों की कैटेगरी में आता है गुड इवनिंग अजय जी वेरी गुड इवनिंग कुलदीप जी जो, बोल रहे हैं जॉयस्टिक अंकिता जी बोल रहे हैं मोडेम सुमीरा जी बोल रही है सी ऑप्शन आना चाहिए मतलब मोडेम आना चाहिए सभी को दिख रहा है यहां पर जल्दी जल्दी कमेंट करिए सभी लोग चलिए

ऑप्शन सी सही आगे बढ़ सकते हैं सर क्लियर नहीं दिख रहा क्या क्लियर नहीं दिख रहा भैया थोड़ा सा क्वालिटी को आप बढ़ाइए वीडियो क्वालिटी को 360 पे लेके आइए पिक्सल 360 पर आपको सही दिखेगा वो चलिए जय हिंद प्रियंका जी जय हिंद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड कॉपी मीन्स हार्ड कॉपी का तात्पर्य है ऑप्शन पढ़िए और आंसर टिक करिए जल्दी से ऑप्शन पढ़िए और आंसर टिक करिए जल्दी से बहुत सारे क्वेश्चन है यहां पर एमसीक्यू इनपुट आउटपुट क्लासिफिकेशन के जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था दोस्तों उसी के पर 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 आज MCQ पर चर्चा कर रहे हैं चलो सी प्रिंटर आउटपुट 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 हार्ड डिस्क टेप हार्डवेयर का वर्णन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये तो ठीक है यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा क्या होगा दोस्तों बिल्कुल सही होगा प्रिंटर पर आउटपुट हार्ड कॉपी का मतलब क्या दोस्तों दोस्तों हार्ड कॉपी का मतलब हमारा एनालॉग फॉर्म तो मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों कि जब भी आपको हार्ड कॉपी की जरूरत पड़ती है मतलब एनालॉग फॉर्म की जरूरत पड़ती है मतलब किससे कन्वर्ट करेंगे डी से तो डी से ए में डी से ए में कन्वर्ट करेंगे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर ठीक है डी ए सी तो क्या होते हैं प्रिंटर होते हैं ठीक नेक्स्ट आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है यहां पर आपको बताना है इनपुट डिवाइस कौन सा है यहां पर आपको बताना है दोस्तों इनपुट डिवाइस जो है वो कौन सा है जल्दी से टिक करिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर यहां पर टाइप करिए सभी लोग जल्दी से सभी लोग ज्वाइन हो जाइए भैया आज सेशन जो है आपका एम का है डी 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 वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत ही शानदार वेरी गुड यहां पर सभी लोग के आंसर डी आ रहे हैं मे बी डी आ लगा के फिर आगे बढ़ता हूं यहां पर देखिए क्योंकि माउस जो है वो भी आपका इनपुट है कीबोर्ड जो है वो भी इनपुट है और स्कैनर जो है वो भी इनपुट है तो ऑल ऑफ दी ठीक है यहाँ पर सभी के सभी क्या है दोस्तों इनपुट डिवाइस अगला क्वेश्चन नेक्स्ट माउस ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण है किसके उदाहरण है ये माउस ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक किसके उदाहरण है माउस ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक किसके उदाहरण है बताइए पॉइंटिंग डिवाइस है इनपुट डिवाइस है डेटा कलेक्शन डिवाइसेस है या फिर मल्टीमीडिया डिवाइसेस है बताइए अतुल जी बोल रहे हैं ए सुमीरा जी बोल रही हैं हैं ए नीलू जी बोल रहे ए काजल जी बोल रही हैं ए अमृता जी बोल रही हैं ए काजल जी बोल रही हैं ए शिवानी जी भी ए, ए प्रकाश जी भी ए बढ़िया विद्या सफलता की कुंजी है अरविंद जी कहना चाहते हैं बहुत बढ़िया चलिए तो यहां पर हमने पढ़ाई था दोस्तों माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है ट्रेक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है और जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है और हमारे पास में ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल क्या होगा सही होगा यहाँ पर ऑप्शन में हमें दिया हुआ भी है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों फुल फॉर्म ऑफ पर आपको बताना है OCR का पूर्ण रूप क्या होता है यहां पर आपको बताना है ओ सी आर का पूर्ण रूप क्या होता है बताइए कमेंट करिए जल्दी सभी लोग ऑप्शन ए होगा सही ऑप्शन बी होगा ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा यहां पर ऑप्शन से ही मतलब इतना सिंपल होता जा रहा है आपके लिए कि आप केवल आराम से ऑप्शन को एक बार देखिए और जल्दी से आंसर को यहां पर कमेंट करिए यहां अजय जी बोल रहे हैं सी होगा एक बार अजय जी वापस देखिए अजय शुक्ला जी बोल रहे हैं सी होगा रेंडे सिंह एम के अक्षय जी भी सी बोल रहे हैं बाकी की पब्लिक ए बोल रही है, है, है।, है अरविंद जी यहां पर दोस्तों ओसीआर होगा? होगा। का पूर्ण रूप क्या होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकोगशन मतलब एक ऐसा डिवाइस जो कि केवल और केवल जो कि केवल और केवल क्या पड़ता है दोस्तों केवल और केवल आपके कैरेक्टर को ही रीड करता है केवल और केवल आपके कैरेक्टर को ही रीड करता है ठीक है ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन याद रखेंगे सभी लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन बोलता है कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं माउस कहते हैं हैंड कहते हैं कर्सर कहते हैं या फिर लोगो कहते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर टाइप करिए सभी लोग दोस्तों यहां पर आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 का नम, जो है आंसर टाइप करिए जल्दी से आज का सेशन जो है आप लोग कई देखा जाए तो मैं यहां पर कुछ भी उससे रिलेटेड डेटा रहेगा क्वेश्चन में तो मैं आपको उसको क्लियर समझाऊंगा बस ठीक है चलो यहां पर आया आपका सी 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 करसर होगा करसर होगा सही है. बिल्कुल सही है. सभी लोग सही टाइप कर रहे हैं देखिए क्या बोल रहा है हमसे कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है दिखाई देने वाला ब्लिंकिंग सिंबल ब्लिंकिंग सिंबल मतलब कि एक ऐसी वर्टिकल लाइन रहती है जो कि आपकी बार बार ब्लिंक करती रहती है तो इसको क्या बोलते हैं, करसर बोलते हैं. इसे क्या बोलते हैं क्लियर है ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा सही होगा अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन क्या बोल रहा है दोस्तों निम्न में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस के मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है चलो टाइप करो जल्दी से ये बी भी टाइप कर रहे हैं डी भी टाइप कर रहे हैं सी आ रहा है, ऐसा कैसा क्वेश्चन है भैया क्या बोल रहे हैं? मैकेनिकल ऑप्टिकल दोनों ही मैकेनिकल और ऑप्टिकल और ऑप्टिकल माउस, ऑप्टो मैकेनिकल अच्छा सेकंड ऑप्शन जो है ऑप्टो मैकेनिकल दिया हुआ है यहां ठीक है यहां पर मोस्टली पब्लिक डी लगा रही है विजय जी अजय जी यहां पर ठीक है जेके शीतल जी अजय जी शिवानी जी शिवी अतुल जी बहुत बढ़िया सबके सब जो है कंफ्यूजन है सर शिवानी जी बोल रही है कंफ्यूजन है कंफ्यूजन क्यों है क्यों है कंफ्यूजन हम लोगों ने जो है दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने आपको बताया था माउस दो टाइप के एक था हमारा मैकेनिकल माउस जिसको ही हम क्या बोलते हैं बॉल माउस क्या बोलते हैं दोस्तों जिसको हम बॉल माउस ठीक है और एक होता है ऑप्टिकल माउस और इसमें मैंने आपको बताया था ये दो प्रकार से बनता है एलईडी का भी यूज कर लेते हैं और लेजर का भी यूज कर लेते हैं ठीक है अब लेजर का यूज कर रहे हैं तो सीधी सी बात है क्वेश्चन में देखो यहां पर दे दिया कि लेजर का उपयोग करने वाला या मूवमेंट करने वाला डिवाइस कौन सा यहां पर, माउस? तो यहां पर लगा दीजिए ऑप्शन डी आगे बढ़ जाइए ठीक है यहां पर ऑप्टिकल माउस होगा ये ठीक है लेजर या एलईडी का प्रयोग कर रहे हैं तो ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा सही होगा क्लियर है सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइए कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कहलाते हैं कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कहलाते हैं कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट क्या कहलाते हैं जल्दी टाइप करिए कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट क्या कहलाते हैं टी सी 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 मोडिफायर कुलदीप जी बोल रहे हैं फंक्शन अरविंद जी बोल रहे मोडिफायर सी 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 बी 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 वाह यहां पर भी दोस्तों आपके आंसर जो है इधर उधर हो रहे हैं मोडिफायर की सी ठीक है सी और मोडिफायर की मतलब एक ही बात है चलो यहां पर आगे बढ़ते हैं सी को लगा के धूम मचा दी भाई साहब यहाँ पर तो सी पे तो ठीक है मतलब याद है आपको मोडिफायर की जो है हमारी कौन सी होती है कंट्रोल शिफ्ट जो कि वैल्यू को बढ़ाती है क्लियर है बढ़िया अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कौन सी की कर्सर के बाई और के अक्षर को डिलीट करती है ले ये भी अपन ने डिस्कस किया था यह भी हम लोगों ने दोस्तों डिस्कस किया था ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पर टाइप करिए विजय जी बस करिए इतना सी टाइप कर दिए हो आप <laughs> चलो बताओ अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर बताइए बी आ रहा है अरविंद जी बोल रहे हैं बी कुलदीप जी बोल रहे हैं बी सुमिरा जी अभिषेक काजल सबके सब के एक साथ बी पर आ चुके हैं यहाँ पर अक्षय जी बोल रहे हैं सी अक्षय जी अकेले सी बोल रहे हैं भैया होम कैसे आएगा कनक भूरा कार शरीर बेग स्पेस चलिए बेक स्पेस सही है देखो मैंने आपको बताया था ना यहां पर कर्सर की बायो जैसे मान लीजिए हमारा कर्सर यहां पर है Blink करने वाला अभी अपने डिस्कस किया इसके लेफ्ट हैंड साइड के यदि आपको कैरेक्टर को डिलीट करना है हटाना है तो बेक स्पेस की का यूज करेंगे सिंपल सा ये तो दोस्तों इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन होना ही नहीं था आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन बोल रहा है निम्नलिखित में से इनपुट युक्ति कौन सी है निम्नलिखित में से इनपुट युक्ति कौन सी है जल्दी टिक करिए निम्न में से इनपुट युक्ति कौन सी है आंसर बताइए बी चलिए बी माउस बी बी इसका आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए है ना इसका आंसर किसी भी व्यक्ति का गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों बहुत बढ़िया करते जाओ टाइप करते जाओ यहां पर कमेंट लगा दो बी पे झाड़ी बी की झड़ी लग चुकी है बी 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 आ चुकी है इतनी सारी बी, बी आ चुकी है कि क्या बताएं वॉइस नहीं आ रही है वॉइस नहीं आ रही है एक व्यक्ति ऐसा ही बोल रहा है वॉइस वॉइस नहीं आ रही है। voice आ रही रही है है कि नहीं आ रही है बी भी आ रही है और वॉइस भी आ रही है चलिए तो यहाँ पर जो है दोस्तों बी का आंसर सही है मतलब माउस जो है अकेला यहाँ पर जो है इनपुट डिवाइस है बाकी के जो है आउटपुट नहीं, नहीं, नहीं बाकी के नहीं यहाँ पर प्रिंटर और मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है और सीपी यहाँ पर आपका जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना आपका सिस्टम यूनिट हो गया ये तो हमारा आंसर यहाँ पर बी है चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों मॉनिटर होता है क्या होता है आउटपुट डिवाइस होता है इनपुट होता है स्टोरेज होता है या फिर ए और भी दोनों अच्छा ए और भी दोनों मतलब कि आउटपुट और इनपुट दोनों होता है तो बताइए क्या हो सकता है रानू जी बोल रही है धूम मचा दी अपना सेंटेंस बताओ भैया ए दोनों होते हैं क्या जी बोल रही है कि दोनों होते हैं बढ़िया देवेंद्र जी बोल रहे होते हैं कि दोनों होते हैं बहुत बढ़िया वेरी गुड बोथ प्रियंका जी बोल रही है बोथ ए डी यहां पर ए और डी में जो है दोस्तों आपको कंफ्यूजन हो रहा है मतलब ओके चलो पब्लिक ए भी लगा रही है ए भी आंसर आ रहा है सरवन जी डी बोल रहे हैं सरवन जी ने फिर डी टाइप कर दिया बहुत बढ़िया प्रीति जी भी बोल रही है कि डी होगा राम प्रकाश जी बोल रहे हैं कि बी होगा इनपुट डिवाइस राम प्रकाश जी टाइपिंग में गलती हो गई शायद आपकी इनपुट डिवाइस तो हो ही नहीं सकता ओके चलो वेरी गुड ए है सर ए है सर ए है बी भी, भी है लो भैया और बी वाले आ गए नील कुमार जी बोल रहे हैं कि नील जी बोल रहे हैं बी होगा सुनील जी ने फिर टाइप कर दिया बी सुनील जी ने फिर टाइप कर दिया हाँ सुनील जी पाँच कर दिया फिर से भी टाइप कर दिया सुनील जी इतनी बार बी टाइप किए वाह पर यहां पर जो है दोस्तों हमारा सही आंसर है कि मॉनिटर जो है यहां पे डी वाले गलत होगा ना क्या पूरा आउटपुट डिवाइस है केवल मॉनिटर जो है डिस्प्ले की बात चल रही है वो तो कैसा है केवल आउटपुट डिवाइस है नहीं भैया ये कौन है इनपुट वाले गुड इवनिंग भैया गुड इवनिंग यहाँ पर आंसर टिक करिए साधन जी अगला क्वेश्चन देखिए एक माइक्रोफोन होता है क्या होता है माइक्रोफोन माइक्रोफोन क्या होता है गुड इवनिंग गुड इवनिंग भैया गुड इवनिंग सर इसकी पीडीएफ मिलेगी क्या दे देंगे भैया पीडीएफ भी दे देंगे MC, तो और व्यापम के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको पीडीएफ। चलो ए आ रहा है भैया ए आ रहा है टी भी आ रहा है टी भी आ है। इनपुट आउट आउटपुट दोनों माइक जो है वो इनपुट है आउटपुट है या इनपुट आउटपुट दोनों है कि स्टोरेज डिवाइस तो हो ही नहीं सकता पहली बार ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गया जी बोल रहे हैं कि दोनों है सर वेरी गुड आ रहा है आंसर नीतू जी भी बोल रही है कि हेलो सर आवाज मिस करवा लेते हैं आवाज मिश में दिक्कत साहब जरा चेक कर आवाज मिस में क्या होगा सुमीरा जी बोल रहे ये आंसर आ रहा है भैया मोस्टली पब्लिक का और मैं भी यहाँ पर जो है बताना चाहूंगा आपको मैंने आपको जब इनपुट डिवाइस में माइक पढ़ाया था मतलब माइक्रोफोन माइक का, का काम क्या होता है मेरे दोस्त साउंड को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना साउंड टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्टर अभी भी यहाँ पर मैं माइक में बोल रहा हूँ तो आपको जो है सुनाई दे रहा है मतलब ये साउंड को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है ठीक है करवा लेते करवा लेते दोस्तों हाँ आज का सेशन में भी अपना जो है वाला है तो आपको टाइप करना है वॉइस भी दिखवा लेते हैं बाकी ठीक है इसको भी कर आप लोग जब तक अगला क्वेश्चन आंसर लगे आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है इनमें से कौन सा जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है इनमें से कौन सा जो है दोस्तों वो आउटपुट डिवाइस नहीं हो लगाइए मैं आंसर नहीं दू ठीक है जो आंसर नहीं दोगे भैया आ जाए तो आंसर नहीं दोगे भैया तो दो क्या नाराजी हुई हमसे चलो सी आंसर आ रहा है सी आंसर आ रहा है सी सीना टाइप चलो ठीक है मतलब सी ना आउटपुट डिवाइस नहीं है तो प्रिंटर भी है लॉटर भी है स्पीकर भी है बस स्कैनर नहीं है आगे बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन था रुक टाइम नेक्स्ट का पूर्ण रूप है। पर OMR का फुल फॉर्म भी आपके बड़े बड़े फ्लैग्स होर्डिंग पोस्टर हम लोग मूवी देखने आते बाहर पोस्टर लगा रहता है ना सिनेमा हॉल में वहां पर जो पोस्टर लगा रहता है वो किससे निर्मित होता है किससे बनता है प्लॉटर से वहाँ पर एक दोस्त बहुत बढ़िया ऑप्टिकल मार्क रीडर बहुत बढ़िया ऑप्टिकल मार्क रीड ओके ऑप्टिकल मार्क रीड बढ़िया ऑप्शन ए यहां पर क्या होगा सही यहां पर इसको अपन थोड़ा सा करेक्ट करेंगे यहां पर ऑप्टिकल मार्क रीडर और अब इसको कर दिया कन्वर्ट ऑप्टिकल मार्क कग्निशन ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन ओ एम आर का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क की आपके कैरेक्टर के साथ साथ के साथ, 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 साथ मार्क को भी रीड तो कैरेक्टर के साथ साथ मार्क को भी आगे तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है दोस्तों निम्नलिखित में से लिखित

के हस्त लिखित चलो क्या आंसर आना चालू हो गया ए भी लगा रहे हैं सुरभि जी ए बोल रही हैं क्या आ रहा है सी कहना ए भी आ रहा है प्रिंट गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग शानू जी वेरी गुड इवनिंग सी बहुत बढ़िया कहां पर मोस्टली पब्लिक बोल रही है कि सी आएगा बहुत बढ़िया सी टी, सी सी इतने सी आ चुके हैं कि यहां पर हम यहां पर सी लाके आगे बढ़ क्या इतने अरे करके थू आप क्या करोगे सर जो तो भी आपका हैंड रिटर्न नोट थे या फिर प्रिंटेड टेक्स्ट है आप इमेज ठीक है सभी को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से स्टोरेज डिवाइस नहीं है तो इनमें से स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है दोस्तों इनमें से स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है हार्ड डिस्क फ्लैश ड्राइव टीवी या फिर मॉनिटर चलिए बताइए सिंपल है ये भी तो सी कैसे आएगा डीवीडी भी -DV, एक स्टोरेज डिवाइस होता है मॉनिटर मॉनीटर ज्यादा समय नहीं देता तो यहाँ पर बाकी के तीन जो है कैसे दोस्तों स्टोरेज डिवाइस है तो जो है वो स्टोरेज डिवाइस में आउटपुट डिवाइस में आप अगला क्वेश्चन देखिए रोम किस प्रकार की मेमोरी चलिए यहां पर कमेंट करिए दोस्तों जल्दी से रोम किस प्रकार के में रोम किस प्रकार के में पांच करो आवाज करो हमारी आवाज करो पर नहीं आ रही

तो रोम स्थाई मेमोरी और जहां पर रोम का फुल फॉर्म भी क्या होता है दोस्तों रीड ऑनली मेमोरी रीड okay. ऑनली क्या है अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों निम्नलिखित में से उचित प्रकार का फैक्ट प्रिंटर नहीं ध्यान से पढ़िए फिर लगाइएगा जल्दी से ध्यान से पढ़िए फिर लगाइएगा निम्नलिखित में से कौन सा उचित प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है अब यदि आपको की बात ध्यान और आपकी आवाज सही ती, ती। अभी आ रही है क्लियर इधर इसको माइक को हाथ में लेके आवाज चेक करते हैं

चलो आंसर लगाओ भारती यहां पर कौन सा आंसर होगा निम्नलिखित में से उचित प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है अब ठीक आ रही है अच्छा तो एस एम आई के रख के पढ़ाना पड़ेगा मतलब चलो ठीक है आज वैसे भी एम वाला सेशन है हाँ सर आ रही है वॉइस बहुत बढ़िया धन्यवाद पीकू जी अब ठीक है आवाज यस सर आ रही है ठीक है चलो ऐसे ही पढ़ाते यहां पर सही आंसर है दोस्तों इंकजेट, ठीक है अब आपको यदि याद हो तो मैंने आपको जो है दो टाइप के प्रिंटर बताए थे प्रिंटर दो टाइप के होते हैं मेरे दोस्तों इम्पैक्ट और नॉन इंपैक्ट ठीक है इंपैक्ट और नॉन इम्पैक्ट अब यहां पर इंपैक्ट में अपन ने पढ़े थे कौन कौन से डॉट मैट्रिक्स डेजी व्हील लाइन चेन ड्रम बैंड ठीक है तो ये बैंड प्रिंटर जिन्होंने लगाया ये भी आपका जो है देखो लाइन चेन और ड्रम ये तीनों के तीनों ही आपके इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं और साथ ही साथ डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील भी परंतु इंकजेट लेज़र और थर्मल प्रिंटर जो है ठीक है इंकजेट लेज़र और थर्मल प्रिंटर जो है दोस्तों वो कैसा है तो वो है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ठीक है तो यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है कौन सा इंकजेट ऑप्शन डी सही है बढ़िया अगला क्वेश्चन बताइए कभी कभी हो जाती है दिक्कत दोस्तों टेक्निकल चीज में हो जाती है दिक्कत कोई दिक्कत नहीं अभी आपका आवाज आ रहा है ना क्लियर मैं तो ऐसे ही पढ़ा दूंगा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है हाँ, लेजर थर्मल नॉन इंपेक्ट ठीक है अंकित जी सही है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ए आंसर निम्न में से कौन सा प्रिंटर सामान्यतः काफी शोर करता है ये आंसर आ रहा है लेजर बीम एक टेक्नोलॉजी है दोस्त लेजर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन फिजिक्स पढ़ना चाहते हो चलो बैंक में यूज होता है क्या यूज होता है बैंक में डॉट मैट्रिक्स हां बहुत से बैंक में आज भी जो है आपके जो पासबुक जो रहती उसको ट, प्रिंट करने के लिए डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर का यूज करते हैं नहीं नहीं प्रिया जी नहीं थकेंगे आप तो बस आंसर लगाओ कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो यहां पर दोस्तों तो हमारा सही आंसर क्या होने वाला है देखिए निम्न में से कौन सा प्रिंटर सामान्यता शोर करता है डॉट मैट्रिक्स लेजर इंकजेट और नॉन इम्पैक्ट तो ये तो दोनों नॉन इम्पैक्ट ही हो गए यहां पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ए यहां पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन ए जो है सही रहेगा अगला क्वेश्चन देखिए किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन निम्न में मापा जाता है किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन निम्न में मापा जाता है किस में मापा जाता है भैया रेलवे स्टेशन में भी यूज होता है पीको जी बिल्कुल सही है रेलवे में टिकट जब हम लेते हैं तो हाथों हाथ जब आप टिकट लेते हो तो वहां पर जो है आपके डॉट मेट्रिक प्रिंटर जो है यूज होते हैं जो नॉइस प्रोड्यूस करते हैं प्रिंटिंग के दौरान इसलिए वो इंपैक्ट की कैटेगरी में आते हैं यहां पर हमारे पास में क्वेश्चन है किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन निम्नलिखित में से मापा जाता है मेगावाइट्स में हर्ट्स में डॉट्स प्रति इंच मतलब डॉट्स पर इंच में और इंचेस में बी आंसर आ रहा है सी बी आ रहा है डॉट्स पर इंच डॉट पर इंच डॉट्स पर इंच बढ़िया सही है डीपीआई डॉट्स पर इंच सही है पवन जी तो यहां पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी डॉट्स पर इंच अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं नेक्स्ट <laughs> बोल रहा है दोस्तों जब कंप्यूटर शुरू किया जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में, में लोड होता है यह प्रक्रिया कहलाती है बताइए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का आंसर बताइए दोस्तों जब कंप्यूटर शुरू किया जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होता है यह प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग आंसर आ रहा है बूटिंग ए, ए ए ए ए ए ए सही है बिल्कुल सही है बूटिंग कहलाती है सही है दोस्तों यहां पर ऑप्शन ए हमारा सही होगा देखिए जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर की स्टार्टिंग प्रोसेस ही जो है वो बूटिंग कहलाती है ठीक है और ये भी आपकी दो प्रकार की होती है एक होती है कोल्ड और एक होती है वॉम कोल्ड बूटिंग मतलब कंप्यूटर को शटडाउन करना और वार्म बूटिंग मतलब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना दोनों में क्या अंतर है एक में आपके सी को रुकने के लिए थोड़ा सा समय मिल जाता है मतलब कोल्ड में समय मिल रहा है परंतु वार्म बूटिंग में जो है समय नहीं मिलता है सी को रुकने का इसलिए इसको बोलते हैं वार्म मतलब री को बोलते हैं वार्म और शटडाउन को बोलते हैं कोल्ड याद रखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर है ए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कैश मेमोरी किन के मध्य कार्य करने के लिए उपयोग में आती है यह भी हमने पढ़ा है जल्दी से बताइए कोल्ड एंड वार्म जल्दी बताइए दोस्तों कोल्ड वॉर्म खत्म हो गया यहां पर आ गया है कैश मेमोरी किन के मध्य में कार्य करने के लिए उपयोग में आती है ए आंसर आ रहा है बिटवीन सीपीयू एंड एलयू ए बी सी वाह एक और बचा है डी वो भी लगा ही दो <laughs> आंसर आ गया बी भी आ गया सी भी आ गया चलो सी ए सी आंसर आ रहा है ए ए सी 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 बहुत बढ़िया बी भी आंसर आ रहा है रेम एंड सीपीयू बढ़िया उमेन जी रेम एंड सीपीयू बोल रहे हैं मतलब कि ऑप्शन सी रेम एंड सीपीयू बी 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 सी देखो यहां पर मैंने आपको बताया था कैश मेमोरी जो है आपको तीन चीज है ना बोला था ना आपको तीन चीज ध्यान रखना है कैश मेमोरी में कैश मेमोरी जो है आपकी सही है दोस्तों यहां पर आंसर जिन्होंने भी क्या लगाया ऑप्शन सी लगाया मेन मेमोरी मतलब आपके रैम और सीपीयू दोनों के मिड में वर्क करती है ठीक है दोनों के मध्य में काम करती है और इसका काम क्या होता है दोनों के बीच के डिले टाइम को कम करना दोनों के बीच के डिले टाइम को कम करना बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सीपीयू तो प्राइमरी मेमोरी कौन सी दोस्तों रैम ठीक है प्राइमरी मेमोरी कौन सी दोस्तों रैम अगला क्वेश्चन इनमें से रेम का प्रकार है इनमें से रेम का प्रकार बताना है कौन सा है रैम का प्रकार रैम का प्रकार बताइए कौन सा है अंकित जी बोल रहे दोनों फिर ए बी डी 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 सी ईपी रोम रैम बताना है दोस्तों टाइप वेरी गुड जितने लोगों ने भी सेशन अटेंड किया था उन सभी को याद होगा मतलब या वैसे भी मालूम होता है रेम के टाइप तो सिंपल सी बात है रेम जो है आपके कितने प्रकार की दोस्तों दो प्रकार की रैम कितने प्रकार की दोस्तों दो प्रकार की एस रैम एंड डी रैम साई राम और दया राम है? मतलब स्टेटिक रैम और डायनेमिक रेम ये दोनों ही रेम के टाइप है तो यहां पर आंसर क्या होगा बोथ ए एंड बी ऑप्शन यहां पर डी सही है दोस्तों ऑप्शन डी हमारा क्या होगा सही होगा ऑप्शन डी हमारा क्या होगा दोस्तों सही होगा ठीक है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है रजिस्टर भाग है किसका रजिस्टर भाग है यहाँ पर किसका बताओ सी का है सी का है कैश मेमोरी का है या फिर मदरबोर्ड का है साई राम बढ़िया बताओ जल्दी से रजिस्टर भाग है ये भी पढ़ा है हमने जब मैंने आपको पढ़ाया था कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है उसके बाद में फिर हमने एक पिरामिड देखा था उस पिरामिड में मैंने आपको बताया था रजिस्टर जो है कौन सी मेमोरी होती है और कहाँ पर होती है पूर्णिमा जी सी यू बोल रही है इसमें डी ए भी आ रहा है डी भी आ रहा है सी भी आ रहा है उमेन जी बोल रहे हैं सीपीयू का हिस्सा मदरबोर्ड का हिस्सा लो कैश मेमोरी का हिस्सा है कैश मेमोरी का हिस्सा है कैश मेमोरी का हिस्सा अरे मेरा दोस्तों याद करो वो क्लास याद करो वो क्लास रजिस्टर फिर क्या पढ़ाया था कैश मेमोरी फिर क्या पढ़ाया था प्राइमरी और फिर क्या पढ़ाया सेकेंडरी मेमोरी तो मैंने आपको बताया था ना सबसे फास्ट मेमोरी कंप्यूटर की और काम पाई जाती है सीपीयू में ठीक है कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी है और रजिस्टर जो है आपके सीपीयू में पाए जाते हैं ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा सही होगा अब याद रखेगा सभी लोग ठीक है सर माइस माइक पास रखिए हाँ ठीक यहाँ यहां पर मैंने आपको बताया था रजिस्टर जो है कंप्यूटर के सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है और सीपीयू का हिस्सा होता है उससे कम कैश मेमोरी उससे कम प्राइमरी और उससे कम सेकेंडरी होती है ठीक है तो सबसे कम सेकेंडरी मेमोरी होती है और यहां पर रजिस्टर जो है किसका भाग है सीपीयू का याद रखिएगा अगला क्वेश्चन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है अभी दो क्वेश्चन पहले मैंने आपको इसका आंसर बताया है अभी दो क्वेश्चन पहले मैंने आपको इसका आंसर बताया है दोस्तों सर आपने इतना मस्त पढ़ाया थैंक यू राधिका जी हाँ बताओ भैया कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है बूटिंग कहलाता है रीबूटिंग कहलाता है स्लिप कहलाता है या फिर स्टैंड बॉय बॉय नहीं होगा स्टैंड बाय होगा स्टैंड बाय कहलाता है रिबूटिंग ए बी 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 रीबूटिंग अरे देखो मैंने आपको बूटिंग मतलब बताया था जब मैंने आपसे पूछा भी था ना ऐसे कितने लोग हैं जिनके फोन में पावर बटन को यदि आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो काय का ऑप्शन आता है रिबूट का ऑप्शन आता है काय का ऑप्शन आता है दोस्तों रिबूट का ठीक है और जब भी हम कंप्यूटर को रिबूट करते हैं या मोबाइल को तो क्या होता है रीस्टार्ट बस तो यहां पर लगा दो ऑप्शन बी सही है। क्लियर सभी को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताओ जल्दी से निम्न में से कौन सी डिवाइस पॉइंट एंड ड्रॉ नहीं है ध्यान दीजिएगा यहां पर पूछा है हमसे पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस नहीं है कौन सा नहीं है कीपैड नहीं है बॉल नहीं है टच स्क्रीन नहीं है या माउस नहीं है कौन सा डिवाइस नहीं है लेकिन सर रीस्टार्ट क्या गया क्या बोला हाँ वॉम बूटिंग है ठीक है तो वार्म बूटिंग है ना क्या दिक्कत है उसमें रीस्टार्ट स्टार्ट बूटिंग है परंतु उसको रिबूटिंग बोलते हैं दोस्तों है दोस्त, ना रिबूट Reboot या रिबूटिंग बोलते हैं है ना याद रखिएगा बूटिंग भी है की पैड सही है तो सी आंसर आ रहा है टच स्क्रीन अरे भैया टच स्क्रीन जैसे अब ये बोर्ड भी टच स्क्रीन है इस पर मैं कहीं पर भी पॉइंट एंड ड्रॉ कर सकता हूँ ना भाई यहाँ पर पॉइंट कर सकता हूँ ड्रॉ कर सकता हूँ टच स्क्रीन तो पॉइंट एंड ड्रॉ है फिर कैसे आपका सी आंसर आ रहा है कीपैड सही आंसर है बिल्कुल सही यहां पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा भैया कीबोर्ड जो है या कीपैड जो है आपका वो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस नहीं है उसमें टाइप करना पड़ता है हमको क्लियर है चलो अगला क्वेश्चन बताओ निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है ये भी सिंपल क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों कौन सा वाला नहीं है इनपुट डिवाइस कौन सा वाला इनपुट डिवाइस नहीं है सर अटक रहा है वीडियो या ऑडियो क्लियर चलो रिबूटिंग सही होगा यदि रीस्टार्ट पूछा है तो और स्टार्ट होना बूटिंग है बीसीआर का फुल फॉर्म बार कोड रीडर डी आंसर आ रहा है डी 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 प्रोसेसर ठीक है प्रोसेसर यहां पर एक ऐसा है जो कि इनपुट डिवाइस नहीं है बाकी डिजिटाइजर पेड भी होता है बी सी आर बार कोड रीडर भी होता है और वेब कैम भी होता है और बीसीआर को क्या बोलते हैं दोस्तों हैंड हेल्ड स्कैनर भी बोलते हैं जिसके थ्रू बार कोड को रीड किया जाता है क्लियर है अगला क्वेश्चन बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले बूट प्रोग्राम कहाँ स्टोर होते हैं ध्यान दीजिए मैंने आपको बताया है ये क्वेश्चन भी कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले बूट प्रोग्राम कहां स्टोर होते हैं सी बूट रिकॉर्ड में बढ़िया ठीक है ए आंसर आ रहा है रोम में ए सी ए डी सी हाँ बार कोड रीडर बीसीआर का फुल फॉर्म है सही है बूट रिकॉर्ड में अंजलि जी ये जा कौन सा ऑप्शन है यहां पे हमने तो लिखा नहीं जा चलो यहां पर दोस्तों देखो क्वेश्चन क्या पूछा है बढ़िया क्वेश्चन है कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले बूट प्रोग्राम है ना मतलब कि मैंने आपको इसको बताया था किस तरीके से बूटिंग इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम याद आया कुछ बूटिंग इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम और बायोस के सॉफ्टवेयर ये दो चीज कहाँ पर स्टोर होती है दोस्तों रोम में कहां पर स्टोर होती है रोम में ऑप्शन ए जो है सही होगा ऑप्शन ए यहाँ पर दोस्तों सही होगा ठीक है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है याद रखिएगा बूटिंग इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम मतलब जब भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो वो कैसे स्टार्ट होगा और उससे जुड़े जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो उनको चेक करेगा ठीक है बायसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस के सॉफ्टवेयर वो भी सारे किसमें होते हैं रोम में होते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं कुछ क्लास नहीं किया था इसलिए आंसर नहीं हो पा रहा सॉरी सर कोई बात नहीं प्रकाश जी कोई दिक्कत नहीं इसलिए यहाँ पर मैं साथ साथ में आंसर से जो भी रिलेटेड डेटा है वो बताते जा रहा हूँ ताकि जितने लोगों ने क्लास अटेंड नहीं भी करी हो तो उनको थोड़ा थोड़ा सा उसके बारे में पता रहे ठीक है चलो कोई बात नहीं बढ़िया ए आंसर आ रहा है सी आंसर आ रहा है क्या क्वेश्चन है कंप्यूटर बना बनाते समय ही इस चिप में प्रोग्रामिंग कर दी जाती है ठीक है सही है अभी तो बताया रोम रोम में डेटा रखते हैं ये वाला ठीक है चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगला बोल रहा है किसी उत्पाद पर प्रिंटेड तो लाइनों पैटर्न को क्या कहते हैं लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं बी बार कोड बी बार वेरी गुड बी बार कोड पूर्णिमा जी का अभी भी आंसर सी आ रहा है पूर्णिमा जी क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से यहाँ पर ध्यान लगाइए क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन बोल रहा है किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं ठीक है व्हाट इज द पैटर्न ऑफ लाइन प्रिंटेड ऑन अ प्रोडक्ट कॉल्ड किसी भी प्रोडक्ट पर आप जब खरीदते हो उसको शॉपिंग मॉल वगैरह से आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से उस पर लाइनों के क्या रहते हैं पैटर्न रहते है। जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों बार कोड क्या बोलते हैं दोस्तों बार कोड मैंने आपको बताया था ना बार कोड कैसे बनते हैं वर्टिकल से और क्यू आर कोड भी होते हैं ठीक चलो तो यहां पर ऑप्शन भी हमारा क्या होगा सही लाइनों के पैटर्न को क्या बोलेंगे बार कोड और यदि पूछे कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा तो फिर आंसर होगा क्यू आर कोड यदि आपसे पूछता है कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स संयोजन को या फिर मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आवियो के संयोजन को क्या बोलते हैं ठीक है चलो अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से कौन सी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन को साउंड में परिवर्तित करती है कौन सी डिवाइस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन को साउंड में परिवर्तित करती है ये भी हमने डिस्कस किया था जल्दी से बताइए हाँ रोहित जी बिल्कुल यहां पर यह पहले चैप्टर है इनपुट आउटपुट डिवाइस क्लासिफिकेशन तो यहां पर जो है दोस्तों क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन जो सेशन है वो ईजी ही लगेगा कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन आएगा बस ठीक है बाकी इसके क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे एग्जाम में भी और यहां पर भी चलो बढ़िया ए आंसर आ रहा है माइक्रो ए ए आंसर मतलब क्या स्पीकर हो गया क्या पूछा है क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल को इंस्ट्रक्शन को साउंड में कन्वर्ट करता है ई सी ई एस सी इलेक्ट्रिकल टू साउंड कन्वर्टर स्पीकर सही है इलेक्ट्रिकल को साउंड में करने वाला स्पीकर अगला क्वेश्चन बताइए नेक्स्ट डीवीडी उदाहरण है किसका डीवीडी अरे बहुत बढ़िया राधिका जी भयंकर स्पीकर लगा दिए चलो बताओ डीवीडी उदाहरण किसका है डीवीडी किसका उदाहरण है सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का है आउटपुट डिवाइस का है हार्ड डिस्क का है या फिर ऑप्टिकल डिस्क का है डीवीडी उदाहरण है किसका ऑप्टिकल डिस्क वेरी गुड ऑप्टिकल डिस्क डी आंसर आ रहा है डी आंसर आ रहा है ऑप्टिकल डिस्क वेरी गुड देखो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था यहां पर सी डी और बी जब मैंने आपको सेकेंडरी मेमोरी बताया था तब मैंने आपको बोला था सी डी और बी आर का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या वीडियो डिस्क और ब्लू रेड डिस्क ये तीनों के तीनों लेंस के द्वारा रीड होते हैं इसीलिए ये कैसे है दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क है तो ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा सही होगा बढ़िया वेरी गुड अगला क्वेश्चन बताइए निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के कंप्यूटर से हार्ड कॉपी तैयार प्रदान करता है <laughs> कॉपी नहीं है ये कॉपी होना चाहिए कंप्यूटर से हार्ड कॉपी कहां से आ रही हार्ड कॉपी बोला सर एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन ही आएंगे बिल्कुल क्वेश्चन ही आएंगे और क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे चलो हलवा बढ़िया सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है कौन तो यहां पर आंसर होगा प्रिंटर नेक्स्ट पीसीबी का पूरा नाम क्या है पीसीबी का पूरा नाम क्या है पीसीबी का पूरा नाम क्या है क्या बोलते हैं पीसीबी को बताइए सॉफ्ट कॉपी चाहिए प्रकाश जी अपने को कि हार्ड कॉपी चाहिए क्या था क्वेश्चन पीसीबी का पूरा रूप क्या है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का पूर्ण रूप क्या है सी आंसर आ रहा है मैंने ही बोल दिया प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एक मिनट जरा पीछे देखें क्या बोला था निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करने वाला प्रिंटर ही है सही है चलो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर कौन कंप्यूटर में खेल खेलना आसान बनाता है जल्दी से बताइए कौन कंप्यूटर में खेल खेलना आसान बनाता है इसका तो भैया अपना जो है एक मीम भी बन चुका है आपने देखा होगा यदि यूट्यूब पर तो एक रील बनी हुई है इस पे तो जॉयस्टिक जॉयस्टिक लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं ठीक है यहां पर कंप्यूटर में जो है गेम खेलने को आसान बनाता है सी सभी को पता है जॉयस्टिक नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है बताइए जल्दी से निम्न में से कौन सा एक दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में नहीं आता है पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में नहीं आता है जो अगला माउस जॉयस्टिक ऑप्टिकल पेन मतलब प्रकाशीय पेन लाइट पेन भी बोल सकते हैं इसको ना और स्कैनर तो यहां पर सही आंसर क्या है दोस्तों वेरी गुड शाबाश अब इतनी जल्दी जल्दी कमेंट आ रहे हैं कि सबके और वैसे भी अच्छा सही सही कमेंट आ रहे हैं सबके डी 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 स्केनर डी 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 स्केनर सी भी आ रहा है भैया यही होगा वो तो सी को मैंने आपको बताया है कि इसको लाइट पेन और बोल सकते हैं वो टाइप नहीं करना है स्केनर जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है बाकी माउस भी है जॉयस्टिक भी है और लाइट पेन भी है अगला क्वेश्चन बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जा रहा है बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जा रहा है बताइए जल्दी से किसका प्रयोग कर रहे हैं बैंकों में बैंक में कौन सा प्रयोग होता है बार कोड एम ओएमआर या फिर यूपीसी एम आई सी आर एम बढ़िया ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी जल्दी से टाइप करो एम का फुल फॉर्म एम आंसर सही है परंतु एमआईसीआर का फुल फॉर्म टाइप करो जल्दी से एम आईसीआर का फॉर्म टाइप करो जल्दी से एम आई सी आर का फॉर्म टाइप करो जल्दी से मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन वेरी गुड सही है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन अगला क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है वाह भैया स्कोरिंग भी चल रही है अभी तो छत्तीस में से पैंतीस आ गए बढ़िया <laughs> बताओ जल्दी से कैसे से चेक करते हैं ओ एम आर से ओ एम आर से ओ एम आर से लाइट पेन से भी चेक कर दी किसी ने तो ओ एम आर से चेक करते ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन से चेक करते वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका जैसे हमने बनाया था ना ऐसा कुछ इस प्रकार से ए बी सी डी फिर इनको भरते हैं बबल को पहले का आंसर ए दूसरे का आंसर बी किससे चेक करते हैं दोस्तों ओम आर ओ एम से ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है यहां पर हमको बताना है कौन सा एक जो है यंत्र सामग्री नहीं है बताओ जल्दी से हाँ चलेगी काउंटिंग भी चलेगी चलने दो आप तो सबके सही आंसर आना चाहिए मैं तो कहता हूँ जितने भी लोग हैं जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं बना रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं रोज़ सबके लगभग मैक्सिमम आंसर सही आना चाहिए तब खुशी मिलेगी अपने को चलो बढ़िया डी आंसर आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम लगाते हैं डी आगे बढ़ते हैं है ना यंत्र सामग्री नहीं है मतलब कि आपका जो है फिजिकल मटेरियल नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फिजिकल मटेरियल में नहीं आता ठीक है बाकी प्रिंटर भी है कीबोर्ड भी और माउस भी है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस है कौन सी यहां पर कॉम्बिनेशन बताना है कौन सी जो है आउटपुट डिवाइस का कॉम्बिनेशन है आउटपुट डिवाइस का कॉम्बिनेशन सॉरी राधिका जी जल्दी बताओ डी 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 ए ए भी आंसर आ रहा है डी भी आ रहा है भैया डी कैसे होएगा एक स्कैनर है मतलब ये तो हो गया इनपुट और एक प्रिंटर एक आउटपुट हमको दोनों आउटपुट चाहिए हमको दोनों क्या चाहिए आउटपुट तो क्या है मॉनिटर और प्रिंटर ऑप्शन ए सही है डी कैसे आएगा चलो अगला क्वेश्चन बताओ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए माउस टेक्निक कौन सी किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में आपको जानना है तो क्या करना पड़ेगा ड्रैगिंग करना पड़ेगा ड्रॉपिंग करना पड़ेगा राइट right क्लिकिंग या लेफ्ट क्लिकिंग सभी चीज शेड्यूल रहता है राधिका जी अपने हिसाब से नहीं चलता जो टाइम है लेक्चर का वो फिक्स रहता है कल ले आएंगे कोई दिक्कत नहीं है बचे हुए क्वेश्चन को ठीक है डी आंसर आ रहा है सी भी आंसर आ रहा है भैया राइट क्लिक ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा सही राइट क्लिक के थ्रू आप क्या कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जा सकते हैं अब यह भी बताना पड़ेगा क्या माउस में यह हो गया आपका राइट और यह हो गया लेफ्ट क्लिक ठीक है तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाते हैं क्लियर है चलो बताओ जल्दी से एक और क्वेश्चन कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है चलो जल्दी से कीबोर्ड 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 बढ़िया भाई यहीं पर समझ में आ गया आंसर तो कि न्यूमेरिकल डेटा यदि आपको डालना है सीधी सी बात है और टेक्स्ट भी तो वो दोनों के दोनों कीबोर्ड में मिलते हैं ऑप्शन ए यहां पर क्या होगा दोस्तों सही होगा बोलिए क्लियर है अगला क्वेश्चन जल्दी से बता दो आउटपुट डिवाइस संभव बनाते हैं आउटपुट डिवाइस संभव बनाते हैं फिर बाकी कल डिस्कस करेंगे आउटपुट डिवाइस संभव बनाते हैं क्या संभव बनाते हैं भैया ए आंसर आ रहा है विजय जी वाह 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 टाइप किए हो यार <laughs> ए, ए ए ए ए क्या पढ़े देखे भैया डेटा देखना या प्रिंट करना डेटा स्कैन करना आउटपुट में आएगा ही नहीं डेटा इनपुट करना आउटपुट में आएगा ही नहीं डेटा भेजना आउटपुट में आएगा ही नहीं ऑप्शन ए यहां पर सही है डेटा को देखना और प्रिंट करना आउटपुट डिवाइजेस संभव बनाती हैं सही तो यहाँ पर दोस्तों अभी अपने 42 क्वेश्चन हुए थोड़े से क्वेश्चन और बचे हुए हैं वो अपन कल डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे है ना लास्ट में मैंने आपको शायद जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर पर लाकर छोड़ा था है ना ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम पढ़ रहे थे उसके आगे जो है कल कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन एम के आपके बचे हुए हैं वो कल स्टार्टिंग के दस से पंद्रह मिनट में आराम से हो जाएंगे ठीक है तो मिलते हैं कल तब तक के लिए जय हिंद